घर घर औषधि पौधे वितरण योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन के बाद रविवार को भीलवाड़ा शहर के आरजिया स्थित नर्सरी जिला स्तरीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आगाज किया गया। उसमें जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते, पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल जाट और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी रामचंद्र बैरवा ने लोगों को औषधि पौधे वितरण किए। इस दौरान 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ भी नर्सरी में पौधा लगा और जन जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक अक्षय त्रिपाठी, एसडीएम ओम प्रभा, सुमाना प्रधान फूलकवर चुंडावत, मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, सुमाना पंचायत समिति विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा और उपवन संरक्षक डीपी जागावत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में घर घर औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हमें जिले के 4,40,000 घरों तक 4 तरह के 8 औषधि पौधे पहुंचाएंगे। इस साल हम आधे परिवारों को और अगले साल आधे परिवारों को ये पौधे दिए जाएंगे। वन महोत्सव के तहत भी हम आज ही 1 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण जिले भर में कर दिया गया है। पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल जाट ने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण परिवार के बच्चों को संस्कार देकर ही किया जा सकता है। इसके लिए हमने जिले कलेक्टर से पर्यावरण संरक्षण से एक सेंटर बनाकर उसमें बालक बालिकाओं का पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करने के सुझाव पर उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है और जल्दी यहाँ पर यह सेंटर बनाया जाएगा। आज घर घर औषधि योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ विधायक महोदय की उपस्थिति में हुआ है। तो हर घर में 4,40,000 परिवारों में 8-8 पौधे पहुंचाए जाएंगे, इस साल आधे परिवारों को और अगले साल आधे परिवारों को। उसी के तहत आज बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा पौधे एक दिन में ही आज हम शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं। और साथ ही जो अभी यहाँ के विधायक महोदय द्वारा एक सुझाव दिया गया कि अगली पीढ़ी को अपने पर्यावरण के प्रति संस्कार बढ़ाए, पर्यावरण के संबंध में सोच अच्छी बने और पर्यावरण के संबंध में जागरूकता निर्माण हो, इसके लिए एक एजुकेशन सेंटर, पर्यावरण एनवायरनमेंट एजुकेशन सेंटर, पर्यावरण शिक्षा केंद्र के जैसी एक संस्था यहाँ पे अपन कायम करेंगे। उसके लिए आम सहमति बनी और उसके अनुसार इस पे कार्यक्रम आगे किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, तमाम एनजीओ, तमाम राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधि अगर इस चीज को हाथ में लेंगे तो बहुत ही जल्दी आने वाले समय में पहले से ज्यादा फॉरेस्ट डेवलप होगा और ये बीमारियां अपने ग्रंथों में लिखी हुई खत्म हो जाएगी। आज मैंने ये कहा, संस्कार की कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, इसमें मैं भी हूँ, आप भी हो। इसके लिए नाना नानी दादा दादी की कहानियां या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी शिक्षा, उनको घर पे जो कहते हैं, वो तमाम चीजें अगर अपन करेंगे, उस चीज को मुख्यमंत्री जी आज घर घर जो पौधे पहुंचा रहे हैं बीमारियों से बचने के, ये भी एक संस्कार का कारण पीरियड है कि इससे भी एक संस्कार डेवलप होकर। आज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिला कलेक्टर साहब और हम सब लोगों ने जो मांग की थी डीएमएफटी फंड में, जो इसका मूल उद्देश्य है कि डीएमएफटी के पैसा कहाँ लगे, तो एक शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा के लिए सेंटर बनाया जा रहा है, उसका हम जल्दी ही मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करवाएंगे और इस जिले के जिस स्कूल के बच्चे हैं उनको संस्कारों में उसको शामिल करने के लिए उनको निवेदन करेंगे। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में संस्कार के लिए। उसके लिए अभी हमारे कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा।